आज हम पढ़ेंगे जवान नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के मानसिक योग्यता का जो हमारा भाग होता है उसमें हमें क्यों कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। उसमें कुल मिला के हमें 10 टॉपिक तैयार करने होते हैं। पहला है असंगत को अलग करना, दूसरा है आकृति मिलान, तीसरा है पैटर्न को पूरा करना, चौथा है आकृति संकल पूर्ति, पाँचवा है सादृश्यता, छठवा है ज्यामिति आकृति पूर्ति, सातवा है दर्पण प्रतिबिंब, आठवा है पंचभुज पैटर्न, नौवा है स्थान दृश्यावलोकन एवं दसवां है छिपी हुई आकृति को पहचानना। इसमें क्या है, असंगत मतलब कि और, मतलब कि अलग, सबसे अलग। जो चार चित्र दिए रहते हैं हमारे प्रश्न में, उनमें से सबसे अलग चित्र को हमें अलग करना होता है, ठीक है। आकृति मिलान में क्या होता है, आपको प्रश्न में एक आकृति दी रहेगी और उत्तर में चार आकृति दिए रहेंगे, तो आपको प्रश्न की आकृति को उत्तर की आकृति में से मिलाना रहेगा, जो सेम टू सेम रहे, ठीक है। पैटर्न को पूरा करने में ऐसे क्या रहेगा, एक पूरा डिजाइन चलता है, क्रम से चलता है, ए बी सी डी, तो आपको ये बताना रहता है कि जो आधा एक भाग को वो क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं। जैसे कि एक पूरा आपका ऐसा स्क्वायर शेप है, तो उसमें से ये 1/4 एक बटे चार भाग को छिपा देंगे और यहाँ पे बोलेंगे आपको कि ये पैटर्न को पूरा करना है, तो कौन सी आकृति यहाँ पे फिट होगी, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आकृति संकल पूर्ति, इसमें आकृतियों में श्रृंखला रहती है, जैसे कि पहले ए में हमारा, फिर बी, फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये श्रृंखला चल रहा है पूरा सीरीज, तो यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद है सादृश्यता, इसमें क्या होता है, एक समान दिखाई देने वाले चित्रों को हमें देखना पड़ता है। जैसे प्रश्न आकृति में जो हमारा चित्र है, तो वही चित्र आकृति हमको उत्तर आकृति में देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है ज्यामिति आकृति पूर्णता, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री से संबंधित, जो कोण और वगैरह रहते हैं जिसमें भुजाएं रहती है वो। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही सरल होता है, किसी आकृति या किसी चित्र को हम जब दर्पण में देखेंगे तो उसमें किस प्रकार की आकृति बनेगा, वह हमारा दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। मान लीजिए कि यह हमारा कोई आकृति ए, इसके सामने हमने दर्पण रखा, तो इसका भी अपोजिट ए ही बनेगा। ये जैसा हमारा इसका ये बन रहा है, मान लीजिए कि बी को हमने रखा दर्पण के सामने, तो ये उल्टा ऐसे बनेगा, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब। पंचभुज पैटर्न में ये होता है कि जैसे कागज का एक टुकड़ा है, तो कागज के टुकड़े को हमने क्या किया, चार भागों में मोड़ दिया, तो यहाँ पर अगर एक डिजाइन कटिंग है, तो कागज को खोलने पर किस प्रकार की आकृति बनेगी, तो यह इस प्रकार से बन जाएगी। ये जैसे इधर पे ये था, तो ये चारों तरफ ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद स्थान दृश्यावलोकन, स्थान दृश्यावलोकन में हमको दिमाग में इमेज को सोचना पड़ता है कि वहां पर कौन सी आकृति बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट में छिपी हुई आकृति, छिपी हुई आकृति ये रहता है कि हमको प्रश्न चित्र में एक आकृति दी रहती है और उत्तर आकृति में चार उससे संबंधित चित्र दिए रहते हैं, तो जैसे हमको ये ढूंढना रहता है कि जो हमारा प्रश्न आकृति है वह उत्तर आकृति में, किस उत्तर आकृति में वो वाला आकार मिल रहा है, तो इसी प्रकार से हमें हल करना पड़ता है। इससे संबंधित बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, जब ही आपको अच्छे समझ में आएगा। यदि आप सोचें कि एक बार पढ़ लें और नहीं होगा, ऐसे में मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।